काव्या और पुलिस में हुई बहस, क्या हो जाएगी रवि की गिरफ्तारी? सीरियल धर्मपत्नी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर काव्या पुलिस के साथ बहस करने लग जाती है। दरअसल पुलिस आती है रवि को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जैसे ही काव्या रवि को देखती है गिरफ्तार करते हुए, तभी उसकी पुलिस के साथ बहस चालू हो जाती है, जहां पर काव्या पुलिस को बोलती है, आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। वहीं पर पुलिस भी काव्या को कहती है कि तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हुई हैं। इस सीन को लेकर काव्या ने हमसे क्या बातचीत की है, चलिए जानते हैं। मैम, जैसा देखा जा रहा है कि काव्या और रवि को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, अभी फिलहाल जो सीन हुआ है उसमें हम गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि हम एक ऐसे होटल में थे जहाँ हमें नहीं होना चाहिए था, एंड हमें पता नहीं था कि वो अजीब वो गरीब होटल है। बट अभी काव्या जो है पुलिस इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वो काव्या है, तो पुलिस इंस्पेक्टर की वाट लगा रही है अभी फिलहाल। अच्छा, तो मैम देखा जा रहा है आप में और इंस्पेक्टर में काफ़ी बहस भी हो रही है, तो वो बहस किस लिए हो रही है? बहस इसीलिए हो रही है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल हिम कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरे डैड कौन है। मेरे डैड लॉयर है और हम ऑब्वियसली रिस्पेक्टेबल फैमिली से, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे, तो इसकी वजह से बहस हो रही है। मैम, आप और रवि कैसे एक रूम में मिलते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना? क्या आप और रवि कैसे एक रूम में मिलते हैं? तो हम जा रहे थे मनाली हमारे हनीमून के लिए, बट प्रतीक्षा ने एज़ यूजुअल कुछ ड्रामा कर लिया। उसने हमें जाने से रोक दिया क्योंकि हमारी कार और हमारे ड्राइवर वो सब में प्रॉब्लम करके, एंड अब हम पहुंच चुके, हम अटक चुके थे रास्ते पे, और हमें ये होटल दिखा, तो ऑब्वियसली काव्या वाज रियली लाइक कि सुहागरात तो होनी है, कैंसिल तो नहीं कर सकते, नहीं तो प्रतीक्षा जीत जाएगी। इसीलिए उसने मेक श्योर किया कि जो होटल मिल जाए उसमें वो जाएगी, तो इसीलिए ये होटल में हम आ गए और ये रूम में हम आ गए, और मैं रवि को कन्विंस करी हूँ कि ये रूम भी अच्छा है। तो क्या काव्या पुलिस को बता पाएगी कि वो वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं? हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है मुझे क्योंकि वो बार बार यही डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने कोई क्राइम किया है, जो नहीं किया है मैंने ऑब्वियसली, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आगे और क्या ट्विस्ट देखने मिल सकता है हमें? आगे और क्या ट्विस्ट है मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली तो हमें साथ में पता चलेगा क्या ट्विस्ट है। अपने फैंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, आप लोग ने जितना भी प्यार दिया, इट्स रियली रियली स्वीट, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, एंड आई लव यू बैक। थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर, तुम ना बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्या समझ क्या रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज हम लोग उस होटल में रुके थे तो हमने कुछ गलत किया? अरे हमें थोड़ी पता था कि वो होटल कैसा है, हमें तो लगा कि नॉर्मल होटल है तो हम रुके थे। क्या मैडम, जो तुम बोल रही हो ना, मैंने कुछ नया नहीं सुना है। तुम जैसी लड़कियों को जब भी अरेस्ट कर रहे हो ना, सेम लाइन रिपीट करती है। तुम जैसी लड़की का मतलब क्या? डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम्हारी तो औकात भी नहीं है मेरी जैसी लड़की से बात करने की। टेलिंग यू, बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। आई एम टेलिंग यू, लिसन, आई एम स्टिल गिविंग यू अ चांस। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी के अभी मुझे रिलीज कर दो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे लोगों के लिए, समझे? आई वांट टू गो एंड बी विद माय हस्बैंड। क्या घूर क्या रही हो, देख क्या रही हो, मेरा ऑर्डर ही है, मुझे रिलीज करो, जाने दो मुझे। ऑर्डर मैं सिर्फ कानून का मानता हूं, तुम जैसी लड़की का नहीं। डिड यू जस्ट से तुम जैसी लड़की क्या लगा रखा है? डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट, ओके? ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारी वर्दी तुमने पहन रखी है ना, जिसका गुरूर है, दो सेकंड में ना उतरवा दूंगी। और हाँ, इसका तुम्हारा जो और तुम्हारा ये जो घमंड है ना, वो भी चूर चूर हो जाएगा। चंडीगढ़ की टॉप मोस्ट रिचेस्ट फैमिलीज में से हूं मैं, समझे? जानता हूं ना मैं तुम जैसी लड़कियों को, जिनकी जुबान इतनी तेज चलती है। ये मत सोचना कि तुम कुछ भी बना, ये मत सोचना कि तुम कुछ भी बोल करके बेवकूफ बना के चली जाओगी। इतनी कड़वी जुबान बोलोगे और पुलिस स्टेशन से बच के निकल जाओगी? नो वे, यहां से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम सच से बता दो, बताओ कि इस लड़के से कितना पैसा लिया था। तो है जो शट अप, ओके? खबरदार मैडम, गलती से भी ये गलती मत कर देना।
वर्दी में हूँ मैं। एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी हाथ उठाना क्राइम होता है। छोड़ो, इधर तुम हाथ उठाओगे और उधर मैं हथकड़ी उठाऊंगा। भूल ना माय फुट। चलो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मेरा एक फोन कॉल का हक बनता है और मैं फोन कॉल करके रहूंगी, और वही फोन कॉल ना तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाए। समझे? देखते रहो, सॉरी, देखते रहो इंस्पेक्टर, देखते रहो। क्या बोलोगे? तुम टच मी। ओके, करो बस, लगाओ। फिर से कट करके डाल करो। मैडम, एक ही फोन करने के वाले आप थे, दो बार फोन नहीं करने का। इधर पहले वाला फोन लगा, देखा तुमने मेरी बात हुई? गुस्सा तुम्हें रेडी हो उठाना, कोई देखो। हो जाए शायद। पटक दो। वॉच ओवर। ओ गॉड, किसी का फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करूं? आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं और रवि ना यहाँ पुलिस स्टेशन में हम दोनों अरेस्ट। अब आई एम श्योर इस पूरे सिचुएशन की पूरी स्टोरी के पीछे ना विलन को प्रतीक्षा ही होगी, उसी का किया था ये सब। इसी में इधर देख के इसी सोचते मैं आपका डूब गया। यहाँ पे ये रवि बैठा हुआ है, यहाँ पे वो खोया सा लग रहा है, पता नहीं है ना, कुछ खोया सा लग रहा है। और इसके चेहरे पर भी स्माइल आई, ऐसी कुछ खड़ा हुआ है यहाँ पे। पहले खोया सा है रवि, खोया खड़ा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, नम सा हो गया है। और हल्के हल्के इसके चेहरे पे स्माइल आने लगी। स्माइल कर रहा है काम कीजिए अपना। लेकिन अगर तुम कहो कि ये हमारी पत्नी है तो बिलीव करने की कोशिश करना। ओके, तुम तो सामने लड़की बैठी है ना मुझे पास, ये भी उसी होटल में खड़ी हुई। बोलो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर, प्लीज इंस्पेक्टर, ये बताइए कि कौन सा कपल अपने हनीमून पे मैरिज सर्टिफिकेट लेके घूमता है? कोई घूमता है? अरे मैं बता रही हूँ ना आपको, कल ही मेरी इससे शादी हुई है और हमारी कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हम करने ही वाले थे पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, इसलिए हमने सोचा पहले हनीमून पे आ जाए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे तो हमने सोचा कि पहले हम हनीमून कर लेते। और तुम्हारी सोशल मैरिज है ना, मेहमान रिश्तेदार भी आए होंगे, तो आई विटनेस तो होगा, किसी ने तो देखी होगी तुम्हारी शादी। तुम्हारी फैमिली से कोई आकर के कंफर्म करता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो कुछ हो सकता है। तुम कॉल कर सकते हो, 1 सेकंड नंबर दो, हम फोन करेंगे। कई बार लोग किसी वक्त बुला करके कुछ भी बुला देते हैं, हम हैंडल करेंगे। लो तो मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तुम हमें नंबर दो, हम फोन करेंगे। कई बार लोग किसी को भी बुला करके कुछ भी बुला देते हैं, नंबर दो, हम हैंडल कर लेंगे। नरेश, ये नंबर लगा। एक
आगे की खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।